Good morning to all of you. I am the message of Mr. Manoj Sir, and this is your group, Mathematics. हम लोग exercise 4.2 पर थे और ये मैंने आपको question number आपका 4 तक करा दिया था. आज मैं question number 5 start कर रहा हूँ आपका simplify. ठीक है? सिंपलीफाई जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कराया था आपका ये भी उसी तरीके से है तो इसमें क्वेश्चन नंबर में एफ करा दूंगा -30/19 / 21 हो गया और -30/19/16 बेस हमारे ये बेस है वो सेम है दोनों बेस इक्वल है इसका मतलब ये है और ये डिवाइड में है तो पावर माइनस है तो इसे हम लिख सकते हैं -30/19 की होल पावर कितना 21 - 16 ये हो जाएगा आपके पास -30/19 की होल पावर 21 - 16 कितना बचा 5 हमारा आंसर है इसको हम आगे भी कर सकते हैं आगे कैसे करेंगे माइनस की पावर ओड है माइनस आएगा और 30^5/19^5 दोनों की पावर हमने अलग अलग करेंगे अभी हम इसको भी खोलेंगे 13 × 13 × 13 × 13 × 13 19 × 19 × 19 × 19 और मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखेंगे ठीक है ओके आगे देखिए जरा इस बारे में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का मार्क सी पार्ट है 20^22 कितना हमारे पास सॉरी 2^22 20 / 2^15 × 2^3 पावर डिवाइड में है सबसे पहले पावर माइनस में यह है हमारे पास 20 - 15 × 3 मल्टीप्लाई पावर ऐड करिए 2^5 × 3 कितना हो गया अभी भी बच्चे गलती कर रहे हैं वो लिख रहे हैं 2^20 को 2 × 20 ऐसे करते हैं ये गलत है ये सही पावर को हमसे छोटा करके लिखते हैं थोड़ा सा इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर इसी का एक और देख लेते हैं ठीक है यहाँ डिवाइड हुआ है फिर हमने यहाँ पावर मल्टीप्लाई किया तो प्लस हुआ है डिवाइड पावर माइनस हो जाती है मल्टीप्लाई पावर प्लस हो जाती है तो इसका ही है आपके पास डी पार्ट 7^2 × 3 यहाँ पर डिवाइडेड बाय 7^4 यहाँ पर पावर की भी पावर तो पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 × 3 डिवाइडेड बाय 7^4 7^3 = 6 7^4 डिवाइडेड पावर माइनस होगी 7^6 - 4 कितना बचा 7^4 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 × 7 = 14 पूरी क्लास पावर की भी पावर पावर की मल्टीप्लाई
सर डिवाइड में है और 6 माइनस 4 2 बचा आपके पास जो हो गया 49। ठीक है, ये सारा काम हम लोग जब बेस इक्वल होता है तभी करते हैं, इसके बेस इक्वल नहीं है उनके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। एक चीज और देखते हैं कि उसके फैक्टर हो सकते हैं या नहीं, अगर फैक्टर हो सकते हैं तो हम फैक्टर पहले करते हैं। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 6-7 बताने जा रहा हूं आपको, 7 हाँ क्वेश्चन नंबर 7 उसको देखिए ध्यान से। डी वाले में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो मैं डी वाला कर देता हूं। इसमें मैं डिवाइड में है और माइनस हो गई, पावर को हमने खोल दिया, इवैल्यूएट कर दिया। ठीक है, एट अपॉन 11 टू दी पावर 27 डिवाइड टू माइनस 11 अपॉन 8 टू दी पावर 27। वैसे तो हम इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड है, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा इजी मेथड हो जाए, जैसे 8 अपॉन 11 और ये 11 अपॉन 8 दोनों सेम ही है, ये दोनों क्या है सेम, बस उल्टे इनको पहले सही से कर देते हैं, इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं किस वक्त में, तो जाएगा 8 अपॉन 11 टू दी पावर 27 इंटू इसको उल्टा कर लो 8 अपॉन 11, तो जब इसको उल्टा करते हैं तो पावर माइनस में, हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो पावर माइनस में जाएगी, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे माइनस की पावर है देन प्लस हो जाएगा, इसको ध्यान से देखो क्या होगा, अब ये माइनस है ठीक, अब इस माइनस में क्या करेंगे, तो माइनस की पावर इवन हो तो प्लस आएगा, माइनस की पावर ओड हो तो माइनस आएगा, लेकिन माइनस के पावर नेगेटिव हो उसमें भी ये काम करता है, माइनस के पावर अगर इवन है तो भी प्लस आएगा, माइनस के पावर ओड है तो माइनस आएगा, वो चाहे प्लस में हो या माइनस हो, तो इसको हम यहाँ माइनस बता सकते हैं इस माइनस को हम यहां भी लिख सकते प्लस इंटू माइनस माइनस 8 अपॉन 11 27 इंटू 8 अपॉन 11 27 पावर माइनस, पावर मल्टीप्लाई में पावर मल्टीप्लाई में है प्लस 8 अपॉन 11 27 माइनस 27, ये बचा हमारे पास 8 अपॉन 11 टू दी पावर 0, हमारे पास आता है 0, अगर किसी की भी पावर हमारे पास 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1 माइनस, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ओड डाल के, ओड डाल के भी कर सकते हैं हम लोग, उसको ऐसे करते हैं, इसमें बता रहा हूं 8
टू दी पावर 27 अपॉन 11 टू दी पावर 27 देखना ये फोर वाला तरीका है एक मेथड ये हो गया एक मेथड ये हो गया माइनस की पावर 4 माइनस 11 टू दी पावर 27 अपॉन 8 टू दी पावर 27 ठीक है 8 टू दी पावर 27 से 8 टू दी पावर 27 कट जाएगी और 8 टू दी पावर 11 से 8 टू दी पावर 11 क्रॉस हो जाएगी क्या बचा 1 लिख के माइनस माइनस ऐसे भी कर सकते हैं तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करने के दो मेथड बताए एक तो आपके पास ये हो गया आप इसे भी कर सकते हैं ये थोड़ा सा बड़ा है कोई बात नहीं ये भी हमारे लिए करते हैं और ये थोड़ा छोटा लगता है दोनों ज्यादा छोटा एक जो है चूज करते हैं दोनों में से किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं तो आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक कराया और आगे क्वेश्चन बाद में देखते हैं थैंक यू